सभा में उपस्थित विद्वान साथियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा बातचीत का विषय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का भारतीय संदर्भ। मित्रों, भाषा को लेकर हमारी संवेदनशीलता का स्तर चिंताजनक है, क्योंकि भाषाओं के सवाल पर हम या तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या किसी एक भाषा के साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे पास कई दिवस हमने विकसित कर लिए हैं भाषाओं को लेकर, लेकिन संवेदनशीलता विकसित नहीं कर पाए हैं। और मेरी कोशिश होगी कि इस बातचीत के माध्यम से मैं भाषाओं के बारे में एक नया नजरिया आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, कुछ नई बातें आपके साथ साझा करूं। हमने कौन कौन से दिवस बना लिए भाषाओं को लेकर? राजभाषा विभाग की तरफ से जरूर कार्यक्रम होते होंगे। हिंदी दिवस सभी जानते हैं, संविधान सभा में जिस दिन हिंदी को राजभाषा के तौर पर मान्यता मिली, हमने उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। पूरे देश में तमाम सरकारी संस्थाओं में हम हिंदी के लिए कार्यक्रम करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी माह भी मनाते हैं। उसके बाद आया विश्व हिंदी दिवस। भारत से बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है, भारत के लोग रहते हैं और जैसे प्रवासी भारतीय दिवस के साथ साथ शुरू किया गया विश्व हिंदी दिवस। 2 साल पहले मैं भी अंकारा यूनिवर्सिटी में था, वहां पर दूतावास ने कहा कि विश्व हिंदी दिवस धूमधाम से मनना चाहिए। हमने 2-2.5 घंटे का अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, क्योंकि मैं विजिटिंग प्रोफेसर बन के गया था भारत की तरफ से, और दूतावास के सहयोग से अच्छा खासा पैसा मिला था और हमने एक अच्छा कार्यक्रम किया था वहाँ के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए। दुनिया भर में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर हिंदी चेयर है, दूतावास है, या हिंदी के लेखक लोग रहते हैं, हिंदी की पढ़ाई होती है, वहाँ पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के लोग जहाँ अधिक संख्या में है वहाँ पर वो अपनी तरफ से भी कोशिश करके, अगर उनका कोई गैर सरकारी संस्थान है तो वो भी हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे रूस में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, वो कोशिश करते हैं कि मदद मिल जाए, लेकिन वो भी हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 2 दिवस हमारे पास थे, 2 दिवस तो मेरे ख्याल से दुनिया में और किसी भाषा के पास होंगे नहीं। अब एक तीसरा दिवस हमको मिला, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हमने किया क्या कि हमने, चूंकि हमको हिंदी दिवस मनाने की आदत थी, उसी तर्ज पर हमने विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया। प्रतियोगिताएं की और पुरस्कार दिए, आपके पास भी सूची होगी जिनको सम्मानित किया जाना है, उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। तो हमने सोचा कि तो हिंदी के बढ़ावे के लिए एक और नया दिवस आया, तो हमको उस दिशा में काम करना चाहिए। उसी तर्ज पर हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना शुरू कर दिया। जबकि मित्रों, इसका हिंदी से सीधा संबंध नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन एक और चौथा दिवस है जिसको हम लोग नहीं मनाते और जानते भी नहीं, लेकिन जानना तो चाहिए। जब भारत में भाषा को लेकर दिवसों की बात हम कर रहे हैं, भाषा शहीद दिवस,
आप में से कितने लोग जानते हैं भाषा शहीद दिवस के बारे में? शायद नहीं जानते। कोई असम से है? नहीं। एक संयोग था कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक संयोग था कि जेएनयू प्रवेश परीक्षा की ड्यूटी में मुझे सिलचर भेजा गया। असम में एक शहर है सिलचर, वहां तक ट्रेन भी जाती है। और संयोग दूसरा संयोग ये हुआ कि जब भेजा गया तो वो मई का महीना था। जेएनयू की परीक्षाएं पहले जब से बनाए तब से 15 से 19 मई के बीच ही हमेशा होती रही, उसी वक्त होती थी, अभी थोड़ा शेड्यूल बदला है। 19 मई को मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर लोग दिए जला रहे हैं, और जहां पे हम ठहरे हुए थे उसके सामने एक बड़ा पार्क था, उस पार्क के बीचों बीच एक स्मारक जैसा बना हुआ था, वहां पर उसको बहुत अच्छे से सजाया गया और लोग आ रहे हैं वहां पर मोमबत्ती जला करके जा रहे हैं, दुकानों के आगे दिए और मोमबत्तियां जल रही हैं। जाहिर सी बात है कि आपको उत्सुकता होगी कि ये 19 मई को ऐसा क्या हुआ, कोई होली दिवाली कुछ भी नहीं, क्या है ये, क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात करने में पता चला कि उस दिन भाषा शहीद दिवस है। वो उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जब 1961 में असम सरकार ने वहां की एकमात्र राजभाषा असमी को घोषित कर दिया। असमी के उस वर्चस्व मतलब एकमात्र राजभाषा होने के विरोध में वहां के बंगाली भाषियों ने, बांग्ला भाषियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किए। वो सिलचर के उस रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पुलिस की गोलियों से 15 से ज्यादा लोग मारे गए 19 मई 1961 को। क्योंकि जो असम है, असम की आप भौगोलिक स्थिति देखें तो वहां पे मिक्स पॉपुलेशन है, बंगालियों की और असमियों की। अब तो देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग वहां पर जाकर रह रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक काफी मिक्स पॉपुलेशन थी। जब आपकी मिश्रित जनसंख्या है तो एक भाषा को अगर आप राजभाषा घोषित कर देंगे, निश्चित तौर पर दूसरी भाषा के लोगों को दिक्कत होगी। तो मित्रों, जब हम भाषा के संदर्भ में बात कर रहे हैं और जब मातृभाषा दिवस का भारतीय संदर्भ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको भाषा शहीद दिवस को भी याद रखना होगा। सवाल ये उठता है, हम अपनी बात की शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि भाषा के बारे में अगर हमें संवेदनशीलता विकसित करनी है, भाषा के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करनी है, तो हमारे पास आधार सामग्री क्या है, प्राइमरी सोर्सेस क्या है भाषा के बारे में ऑथेंटिक जानने के लिए। क्योंकि भाषाओं को लेकर हमारे पूर्वाग्रह ज्यादा हैं, हमारे पास कोई शोध नहीं है। कभी हम कहते हैं कि हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हो गई, या किसी और भाषा के बारे में कोई भी टिप्पणी करते हैं, उनमें से ज्यादातर टिप्पणियां किसी अध्ययन पर आधारित नहीं होती। वो ज्यादातर टिप्पणियां हमारी सुनी सुनाई बातें, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे सरलीकरण होते हैं। तो भाषा को लेकर के व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हमारे पास में स्रोत क्या है, तो मैं आपको 3-4 स्रोत बताता हूं। जैसे क्योंकि आज मैं जो बातें कह रहा हूं, मुमकिन है कि आपकी उनसे असहमति हो, आपको लगे कि मैं एक दूसरे ढंग की बात कर रहा हूं, तो आपको वेरीफाई करना चाहिए कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, तथ्यपरक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। भाषा के बारे में अध्ययन को लेकर के अगर आपको अध्ययन करना है, तो आपको सबसे पुराना प्रामाणिक स्रोत भारतीय संदर्भ में ग्रियर्सन का भाषा सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण, जिसके प्रधान संपादक ग्रियर्सन हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में उन्होंने, वो ब्रिटिशर थे और उन्होंने भारत की भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उस वक्त उनको ये जिम्मा सौंपा कि आप जिस इलाके में पोस्टेड हैं वहां की भाषाओं का सर्वे करके स्थानीय लोगों की मदद से हमको भेजिए।
और वो 20 से ऊपर वॉल्यूम में पब्लिश है, आसानी से उपलब्ध है। भाषा परिवारों का कॉन्सेप्ट भी उसी अध्ययन के आधार पर, उसी सर्वेक्षण के आधार पर भारत में आ पाया कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी बोलियां हैं, फिर भाषाओं की विशेषताएं क्या हैं, उनके अलग अलग अभिव्यक्तियां क्या हैं, वो सब बहुत विस्तार से ग्रियर्सन के नेतृत्व में जो भाषा सर्वेक्षण हुआ उसमें उपलब्ध है। और अमेज़न का मुझे पता नहीं, लेकिन पुस्तक मेले में वो किताब मिल जाती है जो 20 से ऊपर वॉल्यूम में है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है। दूसरा जो हमारे पास में आंकड़े, अगर आपको जानने हो भाषाओं के, उसमें तो ब्यौरा है, आंकड़े कम है, आंकड़े भी है साथ में ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण में, लेकिन भाषाओं का ब्यौरा है। अगर आप ब्यौरे में आपकी कम रुचि है लेकिन और आपकी आंकड़ों में ज्यादा रुचि है, क्योंकि हम कई बार ये करने लगते हैं हिंदी खतरे में है, ये कहते हैं ना हम विश्व हिंदी दिवस मनाएं या हिंदी दिवस मनाएं तो हम या हिंदी के अध्यापक और हिंदी के अनुवादक और हिंदी अधिकारी वो इसी चिंता में दुखी है बेचारे, बहुत ही क्या कहें उनके उनके साथ मेरी सहानुभूति है, तो हमेशा ये चिंतित रहते हैं कि हिंदी बहुत खतरे में, हिंदी खतरे में है या नहीं इसको जानने के लिए, या कोई भी भाषा खतरे में है या नहीं इसको जानने के लिए हमारे पास में प्रॉपर अध्ययन होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए। तो अगर आप आंकड़े जानना चाहते हैं तो आपको सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना, वो लिंग्विस्टिक आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं, भाषाई आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, अगर आपको बहुत मोटे मोटे आंकड़े जानने हैं और आपको एकदम बारीक आंकड़े जानने हैं, सूक्ष्म कि इस जिले में कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप डिटेल के लिए उनके पास सेंसस का जो हमारा ऑफिस है उनके पास, और जगह जगह पर यूनिवर्सिटियों में भी उनके ऑफिस होते हैं, वहां से आप डिटेल आंकड़े ले सकते हैं सीडी में, पेन ड्राइव में। उन आंकड़ों के आधार पर आप ये भी देखना चाहें कि भाई कोई जिले में, कोई गांव में, किसी भी जगह पर, किसी राज्य में कौन सी भाषाएं घट रही हैं, कौन सी भाषाएं बढ़ रही हैं। '61 के बाद से तो उनके पास में पूरे विस्तृत आंकड़े हैं, तो सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े हमें खासतौर पर इस तरह के सवालों से, कि अगर आपकी मातृभाषा, कोई भी मातृभाषा, भोजपुरी आपकी मातृभाषा, आप ये जानना चाहें कि भोजपुरी की क्या स्थिति है, आप ये जानना चाहें कि संथाली की क्या स्थिति है, या 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उनकी क्या स्थिति है, वे भाषाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं। आपकी दिलचस्पी मान लीजिए कोई आदिवासी भाषा में कि ये तो भाई जारवा भाषा 1961 में कितने लोग बोलते थे, आज कितने बोलते हैं, क्या बदलाव हुआ है, और फिर उसी जगह का अगर आप उसको जनसंख्या के बाकी आंकड़ों से मिलान करके देखें कि अच्छा जनसंख्या में किन समुदायों की भागीदारी बढ़ी है, कौन से समुदाय घटे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपके पास में सेंसस ऑफ इंडिया के, भारत के जनगणना विभाग के विस्तृत आंकड़े मौजूद है, जिनमें से मोटे मोटे जो आपके उपयोग के, अगर आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, मोटे तौर पर समझना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया के लिंग्विस्टिक डेटा पे जाकर वेबसाइट से आपको फ्री में सब उपलब्ध है। उसकी खामी जरूर है जो वेबसाइट पे उपलब्ध है कि उसमें 10,000 से कम जिन भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है, क्योंकि अब इतना बड़ा देश है, 133 करोड़, 135 करोड़ या जितनी भी जनसंख्या है, उसमें 10,000 से कम को ये माना गया है, इसको अब ये माइनर डाटा हो गया, इसके लिए आप सेंसस ऑफ इंडिया से संपर्क कीजिए और वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण डेटा है। फिर भाषा को लेकर के जो स्वतंत्र सबसे बड़ा अध्ययन है आजादी के बाद में या ग्रियर्सन के बाद में, वो भाषा ट्रस्ट नाम से एक अहमदाबाद में ट्रस्ट है,
उनका जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों की उससे असहमति हो सकती है कि भाई ये किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जब दुनिया भर में तमाम तरह के अध्ययन होते हैं, भाषाओं को लेकर इतना बड़ा अध्ययन पिछले 100 साल में भारत में नहीं हुआ। भाषा ट्रस्ट ने 2011 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसके बारे में अखबारों में छपा कि पिछले 5 दशकों में भारत में करीब 250 भाषाएं मर गई। एक रिपोर्ट का कंक्लूजन था, रिपोर्ट तो बहुत विस्तृत थी, दूसरे कई उसमें मुद्दे उठाए गए थे। तो उसके बाद में भाषा ट्रस्ट चर्चा में आया, 1996 से ऐसे काम कर रहा है। गणेश नारायण दास देवी जिसके डायरेक्टर हैं, आपने अगर आप भाषा में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जीएन देवी के बारे में जरूर जानते हैं। उन्होंने जो ताजा काम किया है पिछले एक दशक में, सबसे महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। जैसे ग्रियर्सन ने एक भाषा सर्वेक्षण किया, उसी तर्ज पर उन्होंने भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस नाम से उन्होंने भाषाओं का नए सिरे से अध्ययन शुरू किया है, जो सेंसस के डेटा से पूरी तरह अलग है, स्वतंत्र है। सिर्फ गिनने का काम नहीं कि कितने लोग बोलते हैं, बल्कि उस भाषा की विशेषताएं, वो भाषा कहाँ पर बोली जाती है, उस भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है, उसका लिटरेचर क्या है, डिटेल्स। भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण, आप में से जिनकी दिलचस्पी, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ओरिएंटल ब्लैक स्वान से पब्लिश्ड है। ओरिएंटल ब्लैक स्वान एक पब्लिशर है जो मूल रूप से अंग्रेजी किताबें छापते थे, पर हिंदी की भी छापते हैं, तो हिंदी में भी पब्लिश हो रहा है, अंग्रेजी में भी पब्लिश हो रहा है। उसमें स्टेट वाइज, राज्यवार बांटा गया है भाषाओं को कि ये राजस्थान की भाषाएं, ये हरियाणा की भाषाएं, उत्तर प्रदेश की भाषाएं, जो वॉल्यूम्स के नाम रखे गए हैं वो इस ढंग से रखे गए हैं, झारखंड की भाषाएं, बिहार की भाषाएं। तो उसमें आप अपने स्टेट में तो कम से कम आपको रुचि लेनी ही चाहिए, अगर आप पूरे भारत के बारे में नहीं जानना चाहते, भाषा में आपकी जरा भी दिलचस्पी है। जैसे मैं सोचता था कि भाई जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, तो हम तो अपनी भाषा को कुछ नाम दे ही नहीं पाए थे, कौन सी भाषा है, या कुछ भी कह देते थे। उसमें उसको लेकर के प्रॉपर भाषा वैज्ञानिक ढंग से कि ये इलाका है यहाँ से यहाँ, इन जिलों में, इन गाँव में, उस जिले के अंदर भी, जैसे कई बार जिले के साथ ही भाषा खत्म नहीं हो जाती, दूसरे जिले में भी प्रवेश करती। तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें उसमें से जानने को मिली अपनी खुद की भाषा के बारे में, क्योंकि मैंने कोई लिंग्विस्टिक्स की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मेरे पास नहीं है, ना मैंने कोई स्वतंत्र रूप से ऐसा अध्ययन किया कि मैं अपनी भाषा के बारे में विशेषज्ञ हो सकूं। लेकिन उसने मुझे मदद की, जो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक यूनेस्को का इंटरेक्टिव एटलस है, आप गूगल करेंगे UNESCO's Interactive Atlas of Endangered Languages, खतरे वाली भाषाओं का मानचित्र, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने एक एटलस बनाया है, अगर आपका ये इंटरनेट से जुड़ा हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, जुड़ा हुआ इंटरनेट से, छोड़ दीजिए, आप बाद में सर्च कर लीजिए, फिर तो अगर लेंगे गूगल। ये जो एटलस है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव से तात्पर्य है कि ये स्थायी नहीं है कि एक बार बन गया तो वैसा ही रहेगा, ये जैसे जैसे लिंग्विस्टिक इनपुट मिलते रहेंगे वैसे वैसे ये अपडेट होता रहेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दुनिया भर के भाषा विज्ञानी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो यूनेस्को ने सोचा कि भाई हमको भाषाओं के संरक्षण के लिए, एक समझदारी विकसित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक एटलस बनाना चाहिए भाषा वैज्ञानिक की मदद से, जिससे खतरे वाली भाषाओं के, हम आप जानते हैं कि यूनेस्को जो भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें उनको प्रिजर्व करने का काम करती है। तो भाई ये भाषा भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है,
इसलिए भाषाओं को प्रिजर्व करने के लिए हमको एक एटलस बनाना चाहिए। तो पहले हमें देखेंगे भाषाओं की स्थिति क्या है। अब आप कह सकते हैं, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यूनेस्को पूरी दुनिया की भाषाओं का कैसे पता चलेगा, और कोई भाषा खतरे में है इसका कैसे पता चलेगा। तो इसको लेकर के यूनेस्को के पास में प्रॉपर मेथड्स हैं, जो उसके भाषा विज्ञानी हैं उनके पास में प्रॉपर मेथड्स हैं कि कैसे कोई भाषा खतरे में है या नहीं ये जानने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एक फैक्टर तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भाषा के बोलने वालों की अगर संख्या घट रही है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये भाषा खतरे में आ रही है। लेकिन मित्रों एकमात्र यही फैक्टर नहीं होता भाषा के खतरे में होने का। यूनेस्को ने जो कारक निर्धारित किए हैं कि एक तो बोलने वालों की संख्या तो है ही, किसी भाषा को बोलने वाला समुदाय जिस इलाके में रहता है उस इलाके में वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। अगर वो अल्पसंख्यक है जाहिर सी बात है कुछ समय बाद में वो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा को अपना लेगा और उसकी अपनी भाषा धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संचार, पिछली पीढ़ी से भाषा अगली पीढ़ी में जा पा रही है कि नहीं। आप सब इस बात के गवाह हैं कि माँ बाप जो भाषा बोलते हैं बच्चे वो भाषा नहीं बोल पा रहे। आपकी जो मातृभाषा है आपके बच्चे ना के बराबर जानते हैं, आधी या उससे कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, आपकी भाषा हरियाणवी होगी, भोजपुरी होगी, अवधी होगी, ब्रज होगी। थोड़ा बहुत आप घर में कभी कभार जो बात करते हैं तो कुछ शब्द वो जानते होंगे, कुछ अभिव्यक्तियां जानते होंगे, लेकिन जितना आप जानते हैं उतना नहीं जानते। कई माँ बाप के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। माँ बाप की जो भाषा है बच्चों की भाषा हिंदी और अंग्रेजी हो गई है वो नहीं जानते बिल्कुल भी। किसी की राजस्थानी है, किसी की बांग्ला है, कुछ है, तो इसको सायास बचाना पड़ता है। तो अगर पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भाषा नहीं आ पा रही तो निश्चित तौर पर वो भाषा खतरे में है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संचार नहीं हो पा रहा। कोई भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा बन पाई है या नहीं इससे भी उसका भविष्य निर्धारित होता है। नॉलेज टेक्स्ट उसमें है या नहीं, आपको याद होगा अगर आप संविधान सभा की बहस पढ़े तो हिंदी को राजभाषा बनाने की जब बात हुई थी तो सबसे ज्यादा जो लोग तर्क देकर के हिंदी की खिलाफत कर रहे थे उनका ये कहना था कि हिंदी में कोई ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं, हिंदी में कोई नॉलेज टेक्स्ट नहीं। अगर ज्ञान विज्ञान आपके पास नहीं होगा तो भाषा को आप नए समय के अनुकूल कैसे बनाएंगे, नई जरूरतों के अनुकूल कैसे बनाएंगे, कैसे साइंस की पढ़ाई कराएंगे हिंदी में, कैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हिंदी में, कैसे आप साइकोलॉजी पढ़ाएंगे हिंदी में। तो कोई भी भाषा जिसमें ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को अव्यक्त करने की अगर परंपरा विकसित हो चुकी है तो भाषा मजबूत है, अगर नहीं हो पाई है तो वो भाषा को खतरा है। फिर किसी भाषा में प्रिंटिंग की सुविधा है कि नहीं, आप देखेंगे भारत की और दुनिया की बहुत सारी भाषाओं के पास तो लिपियां ही है। भारत की बहुत सारी भाषाओं ने रोमन या देवनागरी को अपना लिया क्योंकि उनके पास अपनी लिपि नहीं। इसके बाद भी सैकड़ों भाषाएं ऐसी हैं जिनमें प्रिंटिंग की आज तक कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं छपता, बस मौखिक रूप में विद्यमान है। तो आज के दौर में कोई भाषा मौखिक, ठीक है, भाषा का मूल काम एक संदेश को जो एक सेंडर के पास है, भेजने वाले के पास में एक संदेश, उस संदेश को इनकोड करके और रिसीवर के पास में, प्रापक के पास में पहुंचाना है। आप कुछ बात कहना चाहते हैं, आपकी बात को मैं समझ जाऊं, यही भाषा का काम है। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, यही भाषा का काम है। इसमें लिखित होने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भाषा का मूल काम लिखित होना नहीं, लेकिन लिखित नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों के लिए अनुपयोगी हो जाएगी। आप उसमें बात तो कर लेंगे फिर उससे उसका भविष्य
निश्चित तौर पर खतरे में पड़ेगा। फिर संबंधित भाषा में स्कूल की पढ़ाई वगैरह होती है कि नहीं, यानी वो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है कि नहीं, वो शिक्षा के काम आती है कि नहीं, इससे भी उसका भविष्य तय होता है। आप देखते होंगे कि कई ऐसी भाषाएं हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन बोली बड़ी संख्या में जाती है। अगर आपने फॉलो किया हो किसी ने, पिछले वर्ष शायद 2020 के शुरू में या 2019 के आखिर में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अध्ययन कराया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो आपको लगेगा कि अंग्रेजी में, नहीं, हिंदी में वो पाठ्य पुस्तकें हैं, कि इन हिंदी पाठ्य पुस्तकों को, जो सरकारी स्कूल की प्राइमरी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं, इनको 5 लाख से अधिक बच्चे नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इसलिए इन पाठ्य पुस्तकों को हमको द्विभाषी छपवाना, इनको हमको साथ में गोंडी में और हिंदी के साथ साथ गोंडी में भी प्रकाशित करना होगा, या संथाली में या कुड़ुख में, यानी जो स्थानीय भाषा है। और जब हमको टीचर्स की भर्ती करनी होगी तब भी ध्यान रखना होगा कि उसको स्थानीय भाषा आती है तो उसको हम प्राथमिकता दें। अब हमारे दिमाग में तो ये बैठाया गया हमारे अध्यापकों ने, हमारे जिनसे हम बात करते हैं, कि अरे ये तो नॉर्थ इंडिया है, ये हिंदी बेल्ट, इसको बोलते हैं हिंदी हर्टलैंड, हिंदी प्रदेश। रामविलास शर्मा ने जिसको लेकर के हिंदी जाति की अवधारणा दी, तो उसमें हम किसको शामिल करते हैं, ऊपर से हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इसके साथ साथ जाहिर सी बात है झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आ गए क्योंकि ये बाद में बने। हमने तो कह दिया कि ये तो हिंदी हर्टलैंड है, हिंदी प्रदेश है, लेकिन यहाँ के 5 लाख, एक ही राज्य के 5 लाख बच्चे हिंदी नहीं समझ रहे, सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चे। इसका मतलब तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूं कि भाषाओं के खतरे में होने का कैसे पता चलता है, तो उसको कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त है या नहीं। अगर सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा तो वो शिक्षा का माध्यम बनेगी, शिक्षा का माध्यम बनेगी, उसमें दस्तावेज प्रकाशित होंगे। और कोई भाषा अगर शिक्षा का माध्यम बनेगी, दस्तावेज प्रकाशित होंगे, दस्तावेज अनुदित होंगे, तो उसमें नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियां पैदा होंगी तो लोग उसको पढ़ना चाहेंगे, उसको बचाना चाहेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा तो भाषा निश्चित तौर पर खतरे में पड़ेगी। जैसे किसी भाषा में अगर मीडिया नहीं है तो वो भाषा भी खतरे में होगी, क्योंकि हमको अपडेट रहने के लिए न्यूज चाहिए। हमारे पास में दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर के जिला स्तर के संस्करण तो है, तहसील स्तर के संस्करण भी है, लेकिन अपनी भाषाओं का मीडिया नहीं। तो अगर जो छोटी भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं, उनमें मीडिया डेवलप नहीं होगा तो वो भाषाएं भी खतरे में पड़ेंगी। खैर, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनेस्को का जो इंटरेक्टिव एटलस है जो मैं आपके सामने ये है, तो इसने फिर इन सारे आधारों पर भाषा विज्ञानियों की मदद से ये इंटरेक्टिव एटलस डिजाइन किया। फिर जो खतरे वाली भाषाएं हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा। भारत में कुल 197 भाषाएं खतरे में, और उन 197 भाषाओं को 5 श्रेणियों में बांटा कि ये भाषाएं कम खतरे में है, ये ज्यादा खतरे में है, ये बहुत ज्यादा खतरे में है, और ये विलुप्त होने वाली है, और ये हाल ही में विलुप्त हो चुकी है। अब देखिए आपको कौन सी भाषाएं हैं। आप इसमें देश का चुनाव करें, भारत, एक सौ 197 भाषाएं यहां पर आपकी खतरे में है। अब वो 197 भाषाओं को आप सीधे ऐसे देखना चाहें तो आपको इस प्रकार दिखाई देंगी। देख रहे हैं, अब इन 197 भाषाओं की सूची दाईं तरफ है
अब इसमें से आप उन पांचों श्रेणियों के आधार पर भी भाषाओं को देख सकते हैं जो यूनेस्को का भाषा के नाम के आधार पर भी देख सकते हैं, पर ये जो पांच श्रेणियां हैं इनके आधार पर मान लीजिए आप जो सबसे कम खतरे में है वो ये भाषाएं हैं, और जो सबसे ज्यादा खतरे में है जो हाल ही विलुप्त हो चुकी है वो ये है। तो सबसे कम खतरे वाली भाषाओं को देखना चाहें तो इनकी संख्या 81 है। अभी 81 भाषाएं कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं, किसी भी डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो भाषा का ब्यौरा आ जाएगा। अगर हाल ही में विलुप्त भाषाओं को आप देखना चाहते हैं ये पांच भाषाएं हैं जो हाल ही में विलुप्त हो चुकी हैं। अहोम, आंध्रो, रंगस, सेंगमई, तोलचा। और इसमें से जो एक भाषा है उसके बारे में एक दिलचस्प तथ्य है आपके साथ साझा करने के लिए। ये जो रंगस भाषा है ये उत्तराखंड के एकदम ऊपरी हिस्सों में रहने वाले रंग या रंगलो उन आदिवासी लोगों की भाषा है जो ट्रेडिशनली तिब्बत के साथ में या सीमा पार से जो व्यापार करते रहे, अब वो व्यापार के रास्ते बंद हो गए, वो लोग अब शहरों में आ गए और उन्होंने अपनी भाषाओं भाषा को धीरे धीरे छोड़ दिया। संयोग ये है कि इस भाषा को बोलने वाली जेएनयू में एक प्रोफेसर है, फैकल्टी है हमारे साथ में, उन्होंने ONGC से प्रोजेक्ट लिया इस भाषा को बचाने के लिए, रंग भाषा को बचाने के लिए, या रंगलो या रंग जो भी नाम है उसको। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में एक बार उसका जिक्र भी किया, उनके प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन समुदाय क्या कोशिश कर रहा है इस भाषा को बचाने के लिए इस बारे में उन्होंने जिक्र किया। और अब इन्होंने क्या किया है कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अपना सर्कल को ये विस्तृत करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं अपने समुदाय के, और उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी भाषा में कम्युनिकेट कीजिए जितना कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, अगली पीढ़ियों को आप सिखाइए किस तरह से बोलते हैं। तो एक सामुदायिक प्रयास हो रहा है, उससे भाषा फिर से इसको नया जीवन मिलने लगा है। इस तरह से आप देखें कि एक पूर्वोत्तर की भाषा खासी वो खतरे में थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने और वहां की सरकार ने प्रयास किया तो उसको एक पुनर्जीवन मिल गया, वो खतरे की स्थिति में से निकल गई, इस सूची में से हट गई। तो भाषा को लेकर के जो मैंने आपको आधार सामग्री बताई, स्रोत सामग्री बताई, ग्रियर्सन का भाषा सर्वेक्षण है, सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा है, भाषा ट्रस्ट के आंकड़े और पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे नाम से उनकी जो सीरीज है, यूनेस्को का इंटरेक्टिव एटलस है, और इसके अलावा भाषा को लेकर स्वतंत्र शोधार्थियों के स्वतंत्र शोध भी है, जैसे कोई PhD कर रहा है या कर रही है, कोई किसी और प्रोजेक्ट के लिए भाषा पर काम कर रहे हैं, वो सब भी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर उल्लेखनीय नाम मैं लेना चाहूँ, प्रोफेसर अन्विता अबी, वो हिंदी के बहुत मशहूर कवि केदारनाथ अग्रवाल की बेटी के रूप में भी लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो जेएनयू के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से रिटायर हुई और पिछले 20-30 साल से वो अंडमान निकोबार की भाषाओं पे काम कर रही थी, और उन्होंने ये दावा किया दुनिया भर के भाषा वैज्ञानियों के समक्ष रखा कि भारत में एक अलग भाषा परिवार भी है जिसको अंडमानी लैंग्वेज फैमिली आप कह सकते हैं, अंडमानी भाषा परिवार। बहुत विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया, कई किताबें प्रकाशित की, डिक्शनरी तैयार की अंडमानी भाषाओं की, उनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा। तो इस तरह शोधार्थियों के शोध कार्य भी हमारे लिए आधार सामग्री का काम कर सकते हैं, जैसे आप जहां भी लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट होगा तो वो फील्ड वर्क पे ले जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या वहाँ के जो PhD है वो किसी न किसी भाषा से जुड़ी होती है, तो उनमें भी कई बार बहुत ही दिलचस्प और जरूरी आंकड़े, जरूरी विश्लेषण आपके सामने आ जाता है।
जो मातृभाषा दिवस है, इससे आप एक एक सिनेरियो आपके सामने स्पष्ट हुआ कि भारत में भाषाओं की स्थिति क्या है और हमारे पास में अध्ययन करने के तरीके क्या है। अब जैसे हम जिस जनरलाइजेशन से बात शुरू करते हैं, हिंदी खतरे में है, हाय हिंदी खतरे में, हाय हिंदी खतरे में, और वो हाय हाय करने वालों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, तो आप सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1961 से 2011 तक के भी आंकड़े आ गए हैं। ये 40-50 साल के आंकड़े ये कहते हैं कि हिंदी खतरे में नहीं है। हिंदी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई भाषा है। सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि आप शेड्यूल लैंग्वेजेस यानी जो आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो पहले 14 थी अब 22 हैं, उन शेड्यूल लैंग्वेजेस में आप देख लें या आप नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस में देख लें, जो गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, सेंसस में आपको वेबसाइट पे सिर्फ 10,000 से अधिक बोलने वालों का ऐसे डाटा मिलेगा, लेकिन उन सब भाषाओं में आप देखें तो हिंदी की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। अब जिस भाषा की वृद्धि दर सबसे ज्यादा हो वो खतरे में कैसे हो सकती है? आज देश के आप 10 सबसे बड़े न्यूज चैनलों के नाम देखना चाहें, सारी भाषाओं 10 में से 500% हिंदी के होंगे। 10 सबसे बड़े अखबारों के नाम आप जानना चाहें, 5 कम से कम हिंदी के होंगे, कम से कम बता रहा हूं। आप अंग्रेजी का चैनल उठा के देखिए, अंग्रेजी का अखबार उठा के देखिए, बीच में हिंदी में ऐड आने लगता है। क्यों? हिंदी ज्यादा बड़े जन समुदाय की भाषा है, हिंदी बहुत तेजी से बढ़ती हुई भाषा है। इसलिए मित्रों, एक तो हमको ये स्पष्ट रखना होगा कि हिंदी को लेकर के कोई स्टीरियोटाइप, कोई पूर्वाग्रह अपने दिमाग में ना पालें, कोई हीनता बोध अपने दिमाग में ना रखें, लेकिन जैसे बेहतरीन समाज के लिए ना केवल हीनता बोध नहीं होना चाहिए बल्कि मैं कहूंगा श्रेष्ठता बोध भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, या तो हीनता बोध से ग्रस्त रहते हैं या श्रेष्ठता बोध से, अपनी जाति को लेकर के, अपनी रिहायश को लेकर के, अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर के, अपने रंग को लेकर के, किसी बात को लेकर के ना हीनता बोध से ग्रसित होने की जरूरत है ना किसी श्रेष्ठता बोध से। भाषा को लेकर हमारा श्रेष्ठता बोध क्या है कि एक तमिलियन अगर दिल्ली में आकर के एक महीना उसको हुआ है, उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे, उससे अपेक्षा करेंगे वो हिंदी बोले। हमारे परिवार के लोग 10 साल तमिलनाडु में रह के आ जाएंगे लेकिन उनसे अपेक्षा नहीं करेंगे वो तमिल बोले। ये श्रेष्ठता बोध है क्योंकि हमें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है हमें? अगर आप देश से सच में प्यार करते हैं, जो आप दावा करते हैं, तो देश की हर चीज से प्यार करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यहाँ की परंपराओं से, संस्कृति से, नदी नाले पहाड़ सबसे आपका परिचय होना चाहिए, सबसे आपका प्यार होना चाहिए। देश से प्यार करना कोई नारा नहीं है। तो यहां की भाषाओं के बारे में अगर आप जानेंगे भी नहीं, मैं कहूंगा प्यार छोड़ दीजिए, आप जानते भी नहीं, हम में से अधिकांश लोग जानते भी नहीं। मैं एक उदाहरण द्वारा बताऊं हमारी संवेदनशीलता का स्तर क्या है। संविधान सभा की बहसों का हिंदी में तर्जुमा आपको लोकसभा के आर्काइव में मिल जाएगा। बहसों में लोग कुछ हिंदी में बोल रहे थे, ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे। वहां पर एक सदस्य जयपाल सिंह थे, उन्होंने चूंकि वो बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे, बिहार में तब झारखंड भी शामिल था, और ट्राइबल बैकग्राउंड के थे, आदिवासी बैकग्राउंड के थे, उन्होंने 3 भाषाओं को लेकर के जब 8वीं अनुसूची बनने के बाद शुरू हुई, उस वक्त इसको शेड्यूल 7 ए बोलते थे, अनुसूची 7 का आप देख लेंगे, ये सब आपको जो भी बात मैं कह रहा हूं सब आपको तथ्य इंटरनेट पर या किसी किताब में आराम से मिल जाएंगे। तो अनुसूची 7 क के लिए उन्होंने 3 भाषाएं सुझाई कि ये भाषाएं भी शामिल की जानी चाहिए। जब मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं,
जो लोकसभा के आर्काइव में है, जो कई हिंदी के आचार्य लोग जिन्होंने राजभाषा से राष्ट्रभाषा नाम से इस तरह से किताबें लिखी हुई है, उन्होंने भी संविधान सभा के बहसों को अनुवाद करके प्रकाशित किया हुआ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मैं आदिवासी साहित्य पर काम करता हूँ, तो आदिवासी भाषाओं के नामों से, आदिवासी लोगों के नामों से परिचित हूँ। तो महोदय, मैं आपके सामने तीन भाषाएं प्रस्तावित करना चाहता हूँ अनुसूचित सात क के लिए। पहला भाषा का नाम लिया उन्होंने मुंदरी, मुंदरी मुंदरी लिखा है, दूसरा लिखा ओराम और तीसरा लिखा गौंदी। तीनों भाषाएं सुनी नहीं, इसका मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अगर संविधान सभा में तीन भाषाएं प्रस्तावित की गई, आप में से भी शायद किसी ने नाम सुना हो ना सुना हो। फिर मैंने मूल अंग्रेजी जाकर के देखा कि क्या कहा गया भाषण में। जयपाल सिंह ने कहा कि मैं आपके सामने मुंडारी, जो मुंडा कम्युनिटी की भाषा है, MUNDARI, ट्रांसलेट मैंने सुना ही नहीं ना। आप सोचिए कि ये कोई एक कॉलेज का दस्तावेज नहीं है, एक कंपनी का दस्तावेज नहीं है, ये भारत की संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज है। इसको कोई ऑर्डिनरी ट्रांसलेटर को तो नहीं दिया गया होगा कि ऐसे ठेके पे दे दिया करके भाई दे दो। एक इतने उच्च स्तरीय अनुवादक को ये पता नहीं है कि भारत में कोई मुंडा कम्युनिटी है, मुंडाओं की भाषा का नाम मुंडारी है, गोंडों की भाषा का नाम गोंडी है, गोंदी नहीं है। तो ये हमारी भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता का स्तर है। जो मातृभाषा दिवस का संदर्भ है, ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो विश्व या ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो पूर्वी बंगाल को भी पाकिस्तान को दे दिया गया क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने ले लिया कि भाई ये हमारा इलाका है। तो एक तो भौगोलिक रूप से बहुत अलग था, जो शेष पाकिस्तान से बहुत दूर था। दूसरा उससे भी बड़ा जो पहलू था कि वहां की राष्ट्रभाषा, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित कर दी, जो आज भी वहां के 11% से अधिक लोगों की मातृभाषा नहीं है। उस वक्त तो शायद 5% लोगों की मातृभाषा थी, क्योंकि उर्दू तो मूल रूप से लखनऊ में पैदा हुई, दिल्ली लखनऊ आगरे इसमें पली बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू को घोषित कर दिया गया। अब पूर्वी बंगाल के लोगों की भाषा, जिसको बांग्लादेश बाद में बना, वहां के लोगों की भाषा बांग्ला थी। तो ये तथ्य इस तरफ भी इशारा करता है कि जब हम कई बार मानने लगते हैं कि भाषा और धर्म का कोई अनिवार्य रिश्ता होता है, तो ये तथ्य उस बात को खारिज करता है कि भाषा और धर्म का कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है। अगर भाषा और धर्म का रिश्ता होता तो पूर्वी बंगाल के लोग उर्दू को हटाने के लिए क्यों आंदोलन करते। उन्होंने भाषा को लेकर के ढाका में आंदोलन शुरू किया, स्टूडेंट्स ने अपनी बांग्ला भाषा के सपोर्ट में, उर्दू के खिलाफ में। वो ही आंदोलन बढ़ते 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 बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन बन गया। शुरुआत वो भाषा से हुई और 21 फरवरी 1952 को काफी सारे लोग शहीद हुए भाषा को लेकर। उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था ढाका में, उसमें बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए क्योंकि उसको दमन करने की कोशिश हुई। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएं। हमारे इतने करीब की हमारी अपनी बात है लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते और हम अपनी दूसरी भाषाओं के प्रति संवेदनशील नहीं। वो लोग अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मित्रों, आज जब हमारे सामने ये सारे दिवस हैं,
हमारे सामने इतनी भाषाएं हैं, हमारे बहुत सारे साथी सिर्फ ये जानते हैं कि भारत में अगर उनसे पूछें तो कोई कहेगा 10-20 भाषाएं होंगी, या ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं यानी 22 भाषाएं कि इतनी भाषाएं होंगी, और किसी से पूछे कितनी भाषाएं तो वो खींच करके 50 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि आज इस देश में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं आज भी, उनमें से 22 तो 8वीं अनुसूची में है, बाकी नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। और जब मैं ये भाषा पद का प्रयोग कर रहा हूं तो सोच समझ के कर रहा हूं। हमारे हिंदी के साथी क्या करते हैं कि बोलियां कह देते हैं सबको, ये तो बोली। मैं भी हिंदी का अध्यापक हूं, मैं सोच समझ करके कह रहा हूं कि 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं, क्योंकि वो भाषा विज्ञानियों की दृष्टि से, भाषा विज्ञानी जिन तत्वों के आधार पर भाषा को परिभाषित करते हैं, जो मानदंड निर्धारित करते हैं, उन सब आधारों पर ये 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं। अब किसी से आप पूछें तो मुझे लगता नहीं कि कोई 30-40 भाषाओं के भी नाम बता पाए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। ये सवाल वैसे ही है जैसे हम लोकतंत्र को समावेशी बनाए या ना बनाए, क्योंकि हम लोग ये तो कश्मीर को लेकर के, पूर्वोत्तर को लेकर बहुत संवेदनशील है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली में आते हैं तो उनको आप चाइनीज समझते हैं, चिंकी कहते हैं, आप उनको भारत का अंग क्यों नहीं मानते? सिर्फ उस टुकड़े से हमारा संबंध नहीं है, वहां के लोगों से भी हमारा संबंध है, उनकी भाषाओं से संबंध है, उनकी संस्कृति से संबंध है। तो ये जैसे लोकतंत्र का सवाल है, राष्ट्रवाद का सवाल है कि इस देश के, इस भूभाग में रहने वाले तमाम लोग, उनके सुख दुख, उनकी संस्कृतियां, उनका खान पान, वो सब कुछ हमारा है, वही भारतीयता है, वही भारतीय राष्ट्र है। जैसे लोकतंत्र के लिए इस तरह की एक इंक्लूसिव, एक समावेशी सोच का होना जरूरी है, ऐसे भाषाओं के मसले पर भी हमको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, समावेशी होना पड़ेगा। ये सच बात है कि हम 700 भाषाएं नहीं सीख सकते, हम 10 भाषाएं शायद नहीं सीख सकते, बड़ा कठिन है नई भाषा सीखना, लेकिन उन भाषाओं के बारे में जान सकते हैं, उन भाषाओं के बारे में संवेदनशील हो सकते हैं। भाषाओं में अब कोई ये कह सकता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, भाषाएं तो मरती हैं, क्या कर सकते हैं मित्रों, उतना नेचुरल भी नहीं है। और किसी भी एक भाषा का मरना पूरी एक ज्ञान परंपरा का मरना है। हमारी स्मृतियों का मरना है, मेमोरीज। मातृभाषा का संबंध हमारे साथ वैसा ही होता है जैसे मां के साथ होता है। मेरी मां नहीं है, मेरे पास छोटा बच्चा है, और ऐसा दुखद दुर्योग हुआ कि बच्चे के पैदा होने से 40 दिन पहले उनका निधन हुआ। मैं जानना चाहता हूं बचपन में मैं क्या क्या एक्टिविटी करता था, नहीं जान सकता क्योंकि मेरे पास माँ नहीं। जैसे माँ के साथ हजारों स्मृतियां चली गई, ऐसे एक भाषा जब खत्म होती है, एक भाषा जब मरती है, उसके साथ भी सारी स्मृतियां, उसका ज्ञान चला जाता है। इसलिए मातृभाषाओं को बचाना, हमारी विविधता को बचाना। आप देखिए कि दुनिया भर के स्तर पर दो आइडियोलॉजीज बहुत प्रोमिनेंट है और दोनों विरोधी दिखाई पड़ती है, लेकिन विरोधी नहीं है। एक ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, एक राष्ट्रवाद। आप देखिए दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, पूरा मार्केट है वो ग्लोबलाइजेशन के अनुसार चलता है, भूमंडलीकरण जो पूरी दुनिया में एक भाषा एक संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं, बाजार की संस्कृति, और उस बाजार की भाषा अंग्रेजी। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, हमको लगता है कि राष्ट्रवाद एकदम इसकी विरोधी अवधारणा है, लेकिन नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्तर पर लगभग वही भूमिका निभाता है जो वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण निभा रहा है।
राष्ट्रवाद भी अंततः एक भाषा एक संस्कृति के साथ खड़ा होने लगता है। आप पिछले 10 वर्षों के या जितने भी, क्योंकि मैं अगर 6 वर्ष कहूंगा तो उसका एक अलग अर्थ लिया जाएगा, मैं तो कहूंगा 10-20 वर्षों का इतिहास देखिए, क्योंकि जब से हम सचेत हैं चीजों को देखने समझे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं को आप देखिए, उन घटनाओं में एक चीज आप कॉमन पाएंगे कि जो भी राष्ट्रवादी है उसको विविधता से समस्या है, वो डाइवर्सिटी का सपोर्टर नहीं है। इसी तरह से जो भूमंडलीकरण का सपोर्टर है वो भी विविधता का सपोर्टर नहीं है। जबकि मुझे ये अवसर मिला कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी जा पाया, वहां के लोगों से बात कर पाया, अगर दुनिया के किसी हिस्से में जाके आप पूछे कि भारत की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे 10 में से 9 लोगों ने सिर्फ यही जवाब दिया कि भारत एक इंद्रधनुषी देश है, रेनबो की तरह है, जहां पर इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने पहनावे हैं, इतने खान पान है, कहीं भी नहीं। हम वो देखने जाना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे इतनी भाषाओं को बचाया हुआ है, उन्होंने कैसे इतने खान पान को बचाया हुआ है, क्योंकि ग्लोबल कल्चर है। आपको ये मैकडोनल्ड का जो दुकान है ये सिर्फ यहां नहीं है आपके पास में, ये न्यूयॉर्क में है, ये टोक्यो में है, ये इस्तांबुल में है, हर जगह पर है, बाजार में हर जगह पर चीजों को एक जैसा कर दिया है। जो पहनावा हम पहन रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जिस तरह का सूट हम सिलाते हैं, जो मेल सूट की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने अमेरिका से, यूरोप से सीखा है, अंग्रेजों से सीखा है। इतनी चीजें आ गई है कि अब जो हमारी विविधता थी वो विविधता खतरे में पड़ गई, हमारे पास जो अलग अलग नॉलेज सिस्टम थे वो सब खतरे में पड़ गए, और वो डाइवर्सिटी, वो विविधता भारत की बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत है। भाषाओं के प्रति संवेदनशील होना उस विविधता को बचाना भी है, और मातृभाषा दिवस का उद्देश्य ये कि हम तमाम मातृभाषाओं में जो ज्ञान राशि संरक्षित है उसको बचाएं, अगली पीढ़ियों तक ले जाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो नॉलेज सिस्टम को लेकर आज हमारे सामने जो समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, चाहे वो परमाणु बम का खतरा हो, जैविक हथियारों का खतरा हो, चाहे वो पॉल्यूशन, आप दिल्ली में देखते हैं कि दिवाली के बाद 15 दिन तक सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप लेटेस्ट कोरोना वायरस को देखें, जो भी खतरे लगता है, कभी उत्तर कोरिया और अमेरिका का अगर झगड़ा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, चीन और अमेरिका का झगड़ा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, जो भी युद्ध होगा, तो जो खतरे पैदा हो गए हैं उसमें अब सवाल उठता है कि इन खतरों से हम कैसे निकले, क्या हमारे डेवलपमेंट के तमाम प्रोसेसेस का, तमाम प्रक्रियाओं का यही हासिल है? भाई हमने डेवलपमेंट का रास्ता क्यों चुना? हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आगे जाने पर हमने क्या हासिल किया कि हम विनाश के कगार पर खड़े हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले इससे। हमने तमाम डेवलपमेंट करके देख लिया, अब हमको पता चल गया कि भाई ये जो गर्भ में बच्चा है वो लड़की है, हम उसको मार देना चाहते हैं, हम किसी को भी अपने बराबर नहीं आने देना चाहते, हम अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि उन सुख सुविधाओं की वजह से दूसरे लोगों को असुविधा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा दर्शन है, जो फिलोसफीज अवेलेबल है, जो आइडियोलॉजीज अवेलेबल है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो विफल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उससे हम यहीं तक आ सकते थे। तो अब आगे कैसे बढ़े, सृष्टि को कैसे बचाएं? तो हमको वैकल्पिक ज्ञान परंपराओं की तरफ जाना होगा।
आज जब पर्यावरण को लेकर के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, उत्तराखंड की त्रासदी आपने देखी, दो बार देखी, बड़े बड़े सम्मेलनों में एक्सपर्ट्स इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि यार ये आदिवासियों का सिस्टम ज्यादा अच्छा, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं सृष्टि को बचाने के लिए, क्योंकि वो जंगलों में इतने साल से रहे, फिर भी जंगल बचे हुए हैं, राज जंगल जहां बचे हुए हैं सिर्फ वही बचे हुए जहां पे आदिवासी रहते हैं, और हमको सारे विनाश जो 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 जिस तरह के विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए हमारी जो जैव विविधता है उसको भी बचाना जरूरी है, जो बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी किसने बचाई है? क्योंकि हम तो उसका उपभोग करते चले गए, इतना उपभोग करते चले गए कि हमने कभी विनाश की परवाह नहीं, अपने लिए सुविधाएं बढ़ाई। अब कई लोगों को लगता है कि आप किसी घर के बाहर वो कार अपनी धो रहे हैं और दो घंटे से धो रहे हैं, आप उनसे कह देंगे कि भाई साहब बहुत पानी खर्च हो गया, बंद कर दीजिए, तो कहेंगे कि आप देते हो क्या मेरा बिल? मैं देता हूँ पानी का बिल, गोली चल जाएगी। इस तरह से बिजली की बात है, पानी की बात है, बिजली की बात है, बिजली को लेकर क्योंकि मैं जलाऊंगा, 10 हीटर चलाऊंगा, 10 AC चलाऊंगा, आपको क्या प्रॉब्लम, मैं बिल देता हूं। मित्रों, पानी का और बिजली का मसला सिर्फ मीटर तक का मसला नहीं है कि कौन उसका बिल पे करता है, ये असीमित नहीं है। कोई अगर इस भ्रम में हो कि पानी असीमित है, बिजली असीमित है, वो अपने भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दे। ये नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। जो आपके पास बिजली पहुंचती है आपको नहीं मालूम कि जितनी जो लाइट जली हुई है, आपको नहीं मालूम कि अगर ये किसी डैम से आ रही है जिस डैम में पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उस डैम को बनाने के लिए कितने गांव को विस्थापित किया गया हुआ, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। पिछली सरकार के वक्त में एक कोयला घोटाला हुआ, हम सिफर गिन रहे थे, कितने शून्य, कितने हजार करोड़ का घोटाला, कितने लाख करोड़, हमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो कोयला निकाला गया वहां से जिन लोगों को हटाया गया वो लोग कहां गए, और उनका कोई अलग नॉलेज सिस्टम भी हो सकता है। जैसे अन्विता अभी ने जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनलीज, इनका अध्ययन करते हुए पाया कि इनके पास में एक बहुत ही रिच नॉलेज सिस्टम है। जब सुनामी आया तो लोग ऊंचाई पर चढ़ गए, उनको पता चल गया एक सुनामी आने वाले, बहुत सारे लोगों को कैसे पता चल गया, कैसे इतने वर्षों से सर्वाइव कर रहे हैं जो उनके पास में कोई एलोपैथी नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ है, नॉलेज सिस्टम है अलग। तो भाषाओं को बचाना, मातृभाषाओं को बचाना, उन तमाम नॉलेज सिस्टम्स को बचाना है, उन सब ज्ञान परंपराओं को बचाना है। और मातृभाषा दिवस का उद्देश्य यह है। अब आपकी सीमाएं हो सकती है क्योंकि आप एक सरकारी तंत्र में हैं कि आपको प्रतियोगिताएं करानी है, ये सब करना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य भाषाओं के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है। और मेरे ख्याल से हिंदी को लेकर के हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस काफी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को अब हम छोटी भाषाओं के प्रति जानकारी प्राप्त करने का दिन बनाएं। हर जैसे देश के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि झुग्गियों को खत्म कर देना चाहिए या जो एकदम गरीब है उनको मर जाना चाहिए, अगर कोई ऐसा सोच सकता है तो वो बहुत ही असंवेदनशील है। जैसे देश के लिए अंतिम व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वैसे ही भाषाओं में भी छोटी से छोटी भाषा भी महत्वपूर्ण। गांधी जी एक बात कहा करते थे, जो गांधी जी का जंतर नाम से एनसीईआरटी की किताबों में छपता था, आपने अगर एनसीईआरटी से पढ़ाई की जरूर पढ़ा हो, कि आप जो काम करने जा रहे हैं, आप जो काम करने जा रहे हैं, आपको संशय हो ये काम सही है या गलत, तो आप अपने दिमाग में अब तक के जो आपने सबसे कमजोर व्यक्ति देखा है, जो सबसे दीनहीन व्यक्ति देखा है, उसको याद कीजिए।
और फिर सोचिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं इससे उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो आपका संशय खत्म हो जाएगा। भाषाओं का सवाल, मातृभाषाओं का सवाल, उसी तरह की संवेदनशीलता का सवाल है। अब छोटी भाषाओं पे हम कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी भाषाएं खतरे में हैं, उनकी क्या स्थिति है, लेकिन आज के लिए इतना ही कि हम भाषाओं को लेकर के जब भी बात करें, जब सोचें, तो पूरे आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में बात करें, भाषाओं के प्रति संवेदनशील हों और अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा को भी तवज्जो दें जो दूसरों की भाषा है। सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, इन भाषाओं में बहुत सारी ज्ञान राशि संरक्षित है। अगर हम किसी भी रूप में उस ज्ञान राशि के संरक्षण में मदद कर सकें, जैसे आपकी जो मातृभाषा है, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, तो आप अपनी मातृभाषा के गीतों का संकलन कीजिए, कथाओं का संकलन कीजिए, और इन सबसे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने बच्चे को वो भाषा सिखाइए। जो आपने अपने माँ बाप से सीखी वो भाषा अपने बच्चे को जरूर सिखाएं। आपको लग सकता है कि अंग्रेजी पढ़ के आपके बच्चे को बड़ी नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए, जर्मन पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मातृभाषा को छोड़ने की कीमत पर नहीं। मातृभाषा भी पढ़ाइए। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कर दिया है, अगर आपका बच्चा मातृभाषा पढ़ेगा तो उसकी समझ ज्यादा स्पष्ट होगी। लोहिया जी ने भाषा को लेकर के बहुत आंदोलन किया, उनकी बात के साथ कंक्लूड करूंगा। भाषा का संबंध पेट से होता है, ऐसा नहीं कि भाषा का संबंध सिर्फ बाजार से। आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, ये सवाल भी भाषा के साथ जुड़ा हुआ। कैसे? लोहिया जी कहा करते थे कि अगर कोई ऐसी भाषा में राजकाज चले जिसको अधिकांश लोग समझते ही ना हो, तो फिर क्या होगा, वो तो हमारे लिए टोने टोटके जैसा होगा। अब सरकार जो एक्ट ड्राफ्ट करती है वो सारे के सारे अंग्रेजी में ड्राफ्ट करती है, क्योंकि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मजबूरी है कि हिंदी में भी तर्जुमा कराना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में ड्राफ्ट नहीं करती। चाहे किसान बिल को देख लीजिए, कोई भूमि अधिग्रहण को देख लीजिए, कोई भी बिल हो, वो मूल रूप से अंग्रेजी में ड्राफ्ट किए जाते हैं। अब अंग्रेजी ड्राफ्ट करके उन्होंने डाल दिया वेबसाइट पे कि आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं। उसको कौन समझेगा भाई? उसको अधिकांश लोग नहीं समझेंगे। जब अधिकांश लोग समझेंगे नहीं तो राय कैसे देंगे? इसलिए भाषा का सवाल यहाँ पर जुड़ता है पेट से, आपके आजीविका से, कि अगर कोई ऐसी भाषा में राजकाज चलेगा तो आप जुड़ ही नहीं पाएंगे, आप उस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं हो पाएंगे। जी, जनता की भाषा में राज चलना चाहिए ताकि जनता अपनी सहभागिता कर सके। इसलिए जो भाषा का सवाल है मित्रों, बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे लोकतंत्र के लिए, जो लोकतंत्र में आप गर्व करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जैसे लोकतंत्र के लिए समावेशी होना बहुत जरूरी है, ऐसे भाषाओं के मामले में भी हमको समावेशी होना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र को हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। जितनी छोटी भाषाएं हैं वो भी चीजों को जान सके, वो भी उसमें भागीदारी कर सके, वो उसमें अनभिज्ञ ना रहे, उससे एक अलगाव महसूस ना रहे। तो मातृभाषा दिवस का उद्देश्य यही है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप स्वतंत्र रूप से अध्ययन करें, जो बातें मैंने कही है उनको आप वेरीफाई करें, तभी सहमत हो जो आपको लगे कि सारी बातें तथ्यपरक हैं, तार्किक हैं, और अगर आप सहमत हैं तो भाषाओं को लेकर संवेदनशीलता के दायरे को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।